मोदी सरकार में बढ़ा शिवराज सिंह चौहान का कद। पीएम मोदी ने दे दी बड़ी जिम्मेदारी, परियोजनाओं पर नजर रखेगा मॉनिटरिंग ग्रुप। शिवराज सिंह चौहान करेंगे परियोजनाओं की निगरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कृषि किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया है, जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं तथा केंद्रीय बजट और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। इस मॉनिटरिंग ग्रुप की पहली बैठक 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई थी, जिसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सहित भारत सरकार के सभी सचिव हाइब्रिड मोड में बैठक में शामिल हुए थे। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निगरानी समूह की हर महीने साउथ ब्लॉक स्थित पीएमओ में बैठक होगी, जिसमें सभी सरकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और उन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा। बैठक में शामिल अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में उनके नेतृत्व में पहली एनडीए सरकार बनने के बाद से ही घोषित परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी है, जो अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। सरकार ने अभी तक इस मॉनिटरिंग ग्रुप को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री पोर्टल पर मौजूद हर योजनाओं पर शिवराज सिंह चौहान नजर रखेंगे। इस दौरान सचिव शिवराज सिंह चौहान को उन परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे जो पिछड़ रही हैं। इसके अलावा उन्हें बेहतर करने के लिए और क्या किया जा सकता है। अभी 24-25 के लिए खाद्यान्न के उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य हमने तय किया 341.55 मिलियन टन। पिछली बार ये 330 मिलियन टन के आसपास था, इस बार सबने मिलकर तय किया है 341.55 मिलियन टन। 341.55 मिलियन टन ये हमारा टारगेट है। इंटरक्रॉपिंग के जरिए, कृषि के विविधीकरण के जरिए, क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ कम उपज वाले क्षेत्रों में हाई यील्डिंग वैरायटीज की शुरुआत भी हम करेंगे और उपयुक्त कृषि पद्धतियां अपनाते हुए उत्पादकता बढ़ाएंगे। जो उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य है, उसको हम पूरा करेंगे।